केवल अपना ही था कि और कोई था? तो राइफल क्लब चले जाइए, गेट नंबर 1 मेन गेट से। हाँ एक मिनट, हाँ अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम छोटे यादव। और ये अभी हम ये देख रहे हैं टूटा हुआ है, हाँ कौन सा यहाँ पर हॉस्पिटल था जरा बताइए आप? सबनी हुसैन हॉस्पिटल पैरामेडिकल कॉलेज भी था। हाँ और ये बहुत पहले से बना हुआ था। हाँ और गाजीपुर के निवासी जो सूचना के साथ ये मिली थी कि नहीं ये गाजीपुर के निवासी हैं। हाँ। जिनको अवैध कब्जा मानकर प्रशासन ने उनको तोड़ डाला। हाँ। अवैध कब्जे और ये हुआ कि नहीं गंगे जी हैं, पास में गंगे जी भी हैं, उनके किनारे की दूरियां कुछ मीटर दूरियां भी बताई गई थी कि नहीं कम में है इसकी, और इसलिए इसको तोड़ फोड़ दिया। अच्छा हरित पट्टी को लेकर के तोड़ा गया ना, तो ये बताया जाता है कि ये अवैध कब्जा था ये समी हुसैन का? नहीं सर, अवैध के लेकर कुछ तो खबरें के अनुसार मिली थी इसे, हम पेपर में भी पढ़े थे कि नहीं कुछ दूरियों के लेकर आए, गंगा जी का तीर है उसको लेकर दूरियां हैं और ये कुछ। हाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि गंगा किनारे किसी भी 200 मीटर के अंदर किसी भी भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा था जिसका नाम शम्मी हुसैन हॉस्पिटल था, और उसको जब प्रशासन ने धराशाही कर दिया, आप देख सकते हैं धराशाही का स्वरूप। अभी हम गंगा जी भी दिखाते हैं नज़दीक एकदम, कितना नज़दीक है ये पुल है। बताया जाता है कि इसमें पैरामेडिकल कॉलेज चलता है, देख रहे हैं कि ये छात्राएं जा रही पढ़ने के लिए, छात्राएं पढ़ने के लिए जा रही हैं। समी हुसैन हॉस्पिटल टूटने का कारण देखिए, गंगा रिवर माँ गंगा जिसको कहते हैं एकदम यहाँ से नज़दीक है, सटे हैं, इसलिए इस हॉस्पिटल का टूटने का कारण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखा है कि गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के अंदर जितने भी निर्माण होंगे वह निर्माण अवैध कहा जाएगा, इसलिए इस हॉस्पिटल को। तो हम आ गए नीचे, देखिए यहाँ लिखा हुआ शम्स ए हुसैनी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर रोज शाह बरखुरदारपुर वीर अब्दुल हमीद सेतु के पास गाजीपुर, ये बोर्ड है, ये जो है हॉस्पिटल का निचला तल है, कितना बड़ा ये हॉस्पिटल है। और आपको BSC नर्सिंग होम भी दिखाई दे रहा है, ये नर्सिंग होम भी चलता है इनमें, कॉमन रूम। यहाँ पर BSC नर्सिंग होम, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एक क्लासरूम है इसके नीचे, अभी लग रहा है कि टीचर नहीं आए हुए हैं। ये सब कक्ष हैं, सब हुसैन हॉस्पिटल के भूतल नीचे वाले तल में हैं, दिखाते हैं, कोई बताने वाला कोई है नहीं, काफ़ी नुकसान हुआ है इनका, तोड़ फोड़ देखिए कई बीघे में है। शम्स ए हुसैन हॉस्पिटल, इसका मलबा पड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर बात कर सकते हैं।